वेलकम बैक टू अनादर क्लास ऑफ बायो टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी दैट इज वेक्टर ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि एक न्यू सब्जेक्ट है ये सो यू विल बी यूजिंग सर्टन टेक्निकल टर्म्स राइट एंड दैट टेक्निकल टर्म्स इज

suitable stretch of DNA associated associated to carry associated to carry the host my mistake associated to carry दी जीन ऑफ इंटरेस्ट असोसिएटेड टू कैरी दीन ऑफ इंटरेस्ट इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम दूसरा टर्म बोलेंगे पैसेंजर डीएनए बिकॉज ये पैसेंजर है और यह मेरा कैरियर है ठीक है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही मैं बोलूंगा पैसेंजर डी एन ए और फॉरिन डीएनए ओके अ स्यूटेबल स्ट्रेच ऑफ डीएनए एसोसिएटेड टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट आल्सो कॉल्ड एस पैसेंजर डीएनए आल्सो कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए ठीक है तो ये मेरा पैसेंजर है जो फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा पैसेंजर है और उसको जो लेकर दूसरे होस्ट में जो ट्रांसफर करने वाला पीस ऑफ डीएनए है दैट इज नथिंग बट द वेक्टर ओके नाउ हियर

करेक्ट ये हम बैक्टीरिया में देखते हैं है ना कि प्लाज्मेड एक एक्स्ट्रा एक एक पीस ऑफ डीएनए है वो जो सर्कुलर है एंड इज़ एब्सोल्युटली ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग इट डज नॉट टेक द यूज ऑफ जीनोम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया ये अपने आप खुद से ही रेप्लिकेट करता है बेटा समझे तो कमिंग बैक दिस वॉज द मेजर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर और जैसे ही हम टाइप जैसे ही हम वेक्टर चूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना है एक प्रोडक्ट बनानी है ओके okay, हमेशा आई विल टेक अप इंसुलिन बिकॉज दैट इज माई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल आई कैन टेक अप एनी अदर एग्जाम्पल्स लाइक एरिथ्रोपोइटिन और आई कैन टेक अप एनी एग्जाम्पल्स लाइक वाइटमिन एक्सेट्रा तो अगर मेरे को एक बायोटेक का एक्सपेरिमेंट सेटअप uh, करना है तो आई विल रिक्वायर जीनोव इंटरेस्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के सैम्पल्स हमको जीन uh, बैंक या जीन लाइब्रेरी से मिल जाते हैं बेटा और वही जीन लाइब्रेरी से हमको ये शर्ट ये वेक्टर भी मिल जाएगा वेक्टर पीस ऑफ डीएनए भी मिल जाएगा तो हमको करना क्या है जीनोव इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लाइगेट कर देना है और एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बनाना है ठीक है विच इज़ रेफर टू एज रिकॉम्बाइंड और रिकॉम्बिनेटेड डी रिकॉम्बिनेट डी एन ए दैट इज द मोस्ट करेक्ट मोस्ट करेक्ट यू नो टर्मिनोलॉजी टू बी यूज ओके सो अब वेक्टर जो है बेटा जो हमारा वेक्टर है वेक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट ठीक है वॉट प्रोडक्ट आई वॉन्ट नीड टू हार्वेस्ट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट आई माइट हैव टू टाइप्स ऑफ वेक्टर समथिंग कॉल्ड ए स्क्लोनिंग वेक्टर

ट इज अ टाइप ऑफ वैक्टर जो हम एक बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल सेल को हम होस्ट सेल बोलेंगे तो एक होस्ट सेल में अगर मैं बहुत ज्यादा कॉपीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियल सेल है ये बैक्टीरियल सेल का खुद का जी नोम है ठीक है अगर एक ऐसा वैक्टर जो एक ही सेल में अगर मैं बहुत सारी कॉपीज बनाने की कोशिश करूल ऑफ दीज आर प्लाज्मेड एंड इमेजिन कर लो कि रिकॉम्बिनेटेड प्लाज्मिड है है, वो भी कर लेते हैं अपन इमेजिन कर लो ये येलो में दिखा है वो जीनो इंटरेस्ट है तो अगर मैंने एक ही सेल में बहुत सारे कॉपीज बना दिए ओके okay, बहुत सारे क्लोन्स ऑफ दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया तो एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट सच वेक्टर इज रेफर टू एज क्लोनिंग वेक्टर इज दैट राइट सो लेट्स एंड एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है एक्सप्रेशन वेक्टर मतलब जो हम एक पर्टिकुलर होस्ट सेल में उसको एक्सप्रेस करा रहे हैं यहां पर इकोलाई इज माय होस्ट और होस्ट सेल के अंदर सिर्फ क्या बन रहा है क्लोन्स बन रहे हैं होस्ट सेल के अंदर क्लोन्स बन रहे हैं बेटा बट यहां पे दी होस्ट सेल में एक्सप्रेस हो रहा है दी क्वालिटी दिस एक्सप्रेशन वेक्टर का एक एग्जाम्पल जो हम लेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर का एग्जाम्पल है बेटा टी आई प्लाज्मेड ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं टी आई प्लाज्मेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टी आई प्लाज्मेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम उससे हमने आ, टी आई प्लाजमेट एक्सट्रैक्ट किया अब ये टी आई प्लाज्मिट को मैं रिकॉम्बिनेंट री, बना दूंगा ठीक है बाई इंट्रोड्यूसिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आ, टेक्स तुम्हारे स्टेट बुक स्टेट बोर्ड की टेक्स बुक में दिया है कि टी आई प्लाजमेट को यूज़ करके मैं एक जीन इंट्रोड्यूस करता हूँ इन द टी आई प्लाज्मिट दैट इज निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन Now, this Ti plasmid, which is carrying the nitrogen-fixing gene, is again transferred into the Agrobacterium tumefaciens. Up now, the transformed Agrobacterium tumefaciens, which is having the Ti plasmid with nitrogen-fixing gene, that is allowed to infect the normal plant. ठीक है अब ये नॉर्मल प्लांट में जब जाकर इंफेक्ट करेगा तो वहां पे द एंटायर प्लांट विल शो विल एक्सप्रेस क्वालिटी विल एक्सप्रेस द्वालिटी ऑफ द रिकॉम्बेन्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज आर वेरी क्लियर सो बोलने का मतलब ये है बेटा कि यहां द वेक्टर इज यूज टू एक्सप्रेस इज यूज टू एक्सप्रेस दिनो टाइप वेरी क्लियर वेर एज यहाँ पे इट इज़ ओनली यूज टू क्लोन दी रिकॉम्बिनेंट डी एन एंड ये ज्यादा क्लोन्स क्यों चाहिए बेटा बिकॉज मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए बिकॉज ये क्लोन्स में निकालूंगा वापस और एक दूसरे सेल में ट्रांसफर करूँगा क्योंकि मेरे को एक सेल में इतने ज़्यादा अगर क्लोन्स हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी इफ़ आई एम लुकिंग आउट पर एरे तो इमेजिन कर लो कि एक जगह एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर एक फीनोटा um, एक पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेड अगर है तो प्रोडक्ट कम मिलेगा करेक्ट जो जो वो प्लांट ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेशन करेगा तो प्रोडक्ट कम मिलेगा अगर उसी सेल में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं है तो बहुत सारा प्रोडक्ट मिलने की एबिलिटी है is that right so here my main intention is to clone the vectors to to clone the gene of interest here my main intention is to express here my main intention is to express this particular recombinant dna into a host cell ठीक है तो घूम फिरकर बात ये है कि क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल पहले हम लिख लेते हैं बेटा <coughs> Key here, what is the use of the vector? The vector is used to make multiple copies in the suitable host. The vector. The vector is made to make or obtain multiple copies. Multiple copies in the suitable host. एग्जाम्पल पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू या प्लाज्मेट ले लो प्लाज्मेट वेर इज हियर आई एम एब्सोल्यूटली यूजिंग टू दैक्टर इज मेंट टू एक्सप्रेस ये हम लोग बाद में लिखेंगे दैक्टर इज मेंट टू एक्सप्रेस द रिकॉम्बनेंट डी एन ए इन टू अबल होस्ट ओके नाउ लेट्स टेक अपल ऑफ अ प्लाज्मेड दैट इज पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू ठीक है यहां पे हम नॉमिन के बारे में बात करेंगे हियर पी स्टैंड फॉर पी स्टैंड फॉर प्लाज़मिड बी आर स्टैंड फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगेस सो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा छोटा सा पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू ये थ्री ट्वेंटी टू उसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है ठीक है तो पी हियर स्टैंड फॉर प्लाज्मेड प्लाजमेड ऑफ बी आर स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगेस जिसने ये डिस्कवर किया एंड टी पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू इज ऑपटेन्ड फ्रॉम अ ईकोलाय नाउ नाउट दिस पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू वी नो दैट अ प्लाजमिट इज अ सर्क्यूलर स्ट्रेच ऑफ डी एन ए और इसका पूरा का पूरा डी एन ए का लिट्टी चौका जो 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 है पूरा का पूरा स्ट्रेच ऑफ डी एन ए का जो सिक्वेंशल अरेंजमेंट है वी दी साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी नोन देम ठीक है वी विल भी यूजिंग दी प्री इंफॉर्मेशन ओनली जो हम यूज करने वाले हैं तो हमको ऑलरेडी जो साइंटिस्ट लोगों से बताए वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ठीक है सो दी स्ट्रेच ऑफ डी एन ए आर एब्सोल्यूटली नोन ओके okay? वो वो जीन का फंक्शन क्या क्या है वो अल्टीमेट उसका रोल क्या है वी ऑलरेडी नो इट नाउ एन में ये डायग्राम दिया हुआ है वील फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी डाइ वट आर दी लेबल्स बिकॉज ये ऐसे के ऐसे ही डायग्राम दे, दे देंगे वो और यहाँ पे कुछ भी मार्क कर लेंगे ए बी सी डी और बोलेंगे लेबल कर लो ठीक है सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट इज दी लेबल्स बिकॉज दिस इज़ वन डायग्राम विच दे कैन एक्सपेक्ट विच यू कैन एक्सपेक्ट दैट दी बोर्ड पीपल माइट आस्क यू और नीट में ये पूछा जा सकता है बिकॉज एन सी आर टी में डाइग्राम दिया है ओके okay, तो देर आर ये जो हमने हाईलाइट किए हुए है दीज आर स्पेसिफिक स्ट्रेचेज ऑफ डी एन ए विच आर वैल्यूएबल फॉर मी बाकी सब जो है दे आर यू यूज लेस दे माइट बी यूजलेस दे माइट बी जस्ट जंक ये ऐसे कुछ सिक्वेंसेज जो मेरे काम के नहीं हैं बट इसमें कुछ हाईलाइटेड रीजन है जहां पे मैं काम कर सकता हूं फर्स्ट रीजन हियर इज ओरिजिन ओराई साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इट इज साइट ये जो लाल में हमने बताया दैट इज दी ओराई राइट स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है सिमिलरली ओराई के बाजू में देर इज सीक्वेंस विच इज कॉल्ड एज आर ओ पी सीक्वेंस आर ओ पी सीक्वेंस इज नथिंग बट इसका फुलफॉर्म है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाजमेड कॉपी नंबर रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाजमेड कॉपी नंबर मतलब दिस इज वन सीक्वेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लीकेशन थीटा रेप्लीकेशन ऑफ दर्क्यूलेटरी डी एन ए कैन स्टार्ट मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ द डी एन विल स्टेट प्लेस एंड रेप्लीकेशन ऑफ द डी एन स्टार्ट वेयर एज इज दैट सीक्वेंस विच इज एसोसिएटेड टू स्टॉप द अननेसेसरी ओके स्टॉप द अननेसेसरी रेप्लीकेशन ऑफ द प्लाज्मेड नाम बता रहा है और डेफिनेशन ये बोलता है कि प्लाज्मेड ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग है तो वो ऑटोनॉमसली रेप्लीकेटिंग क्यों है बिकॉज ऑफ द ओर साइट बट एक सेल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्लाज्मेड फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लाज्मेट होते हैं बेटा ठीक है अगर सिंगल एक ही एक सेल में एक प्लाजमेट है तो उसको बोलते हैं सिंगल कॉपी नंबर प्लाज्मेट अगर एक सेल में मल्टीपल कॉपीज रह सकते हैं एट एट द सेम टाइम दे कॉल्ड इज मल्टीपल कॉपी नंबर प्लाजमेट तो सेल में मतलब प्लाज्मेड सिंगल कॉपी नंबर है या मल्टीपल कॉपी नंबर है दैट इज डिसाइडेड बाय द आरोपी अगर आरोपी सीक्वेंस ज्यादा एक्टिव है तो वो प्लाज्मेड का रेप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा ठीक है कॉपी नंबर का कॉपी नंबर को रेस्ट्रिक्ट करेगा दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मेड कॉपी नंबर अगर पी सिक्वेंस को इनएक्टिवेट कर दिया तो मैं इंश्योर कर सकता हूं कि प्लाज्मेड कैन बी रेप्लीकेटेड इन वन पर्टिकुलर सेल देर देर कैन बी नंबर ऑफ प्लाज्मेड अपटेन्ड इज दैट वेरी क्लियर ऑल राइट मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सीक्वेंस टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द्राम देर इज अ ग्रीन सीक्वेंस विच इज बीन हाईलाइटेड तो ये जो सीक्वेंस है दैट इज नीन रेजिस्टेंस जीन एम्पिसीन रेजिस्टेंस जीन यहां पर आर इज इंडिकेटिंग रेजिस्टेंस ठीक है एम्पसिलीन रेजिस्टेंस जीन और ये येल्लो ऑरेंज कलर में जो दिखाया हुआ है दैट इज टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मतलब इन वर्ड्स, वैन ई कोलाय बेरिंग दिस प्लाज्मेड इस पुट इन टू अ कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन लाइक एंटीबायोटिक ठीक है एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन सो अगर एक ई e. कोलाय को मैंने एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किया या टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किया तो दीज जीन्स विल गेट एक्टिव एंड दे विल ट्रांसलेट इन टू सर्टन कॉम्पोनेंट्स सर्टन प्रोडक्ट्स विच विल एक्ट अगेंस्ट एम्पेसिलीन जो मीडियम में एम्पेसिलीन है उसके अगेंस्ट काम करेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा वो प्रोडक्ट और अल्टीमेटली सक्सेसफुली दिस पर्टिकुलर ईकोलाई कैन ग्रो इन दैट मीडियम सेम इज़ दोरी विथ टेट्रा साइक्लिन अगर मैंने एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में वो इकोलाई e. को ग्रो किया जिसके अंदर ये है, तो प्लाज्मीट्रासन कॉम्पोन कॉम्पोन टेट्रासाइक्न इन द मीडियम देअर बाय फेसिलिटेटिंग द्रोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम इन दीडियम ठीक है सो दीज टू जीन आर एडवांटेजियॉर दैट पर्टिक्यूलर बैक्टीरिया एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दीज टू पर्टिकुलर जीन्स ठीक है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर जो क्या होते हैं हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ओके okay. so, अब ये सब तो मैंने राम कहानी जान ली है न अब बाकी के जो एरोज है दीज एरो इंडिकेटिंग बेटा दीज एरो इंडिकेटिंग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेज और दे आर इंडिकेटिंग द रेस्ट्रिक्शन साइड फॉर रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स ठीक है तो अब आपको याद करना है यह पूरा का पूरा सीक्वेंस इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर प्लीज मेक श्योर जैसे ही हम मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको याद रखना है तो पहले तो हम एम्पिसिन रेजिस्टेंस के पास जाएंगे एम्पिसलिन ए है ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर एल्फाबेट करेक्ट एम्पिसलिन ए है ए इज द फर्स्ट लेटर ध्यान से सुना ठीक है एम्पेसिल फर्स्ट लेटर बिकॉज यहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है अगर आपने पी एस टी वन के जगह पे पी एस टी टू लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा बेटा और यही ऑप्शन में वो कंफ्यूज करेंगे तो इसको थोड़ा सा रिलेशन बना के चलेंगे हम सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है एंड दोज रेस्ट्रिक्शन साइट इज फॉर पी एस टी वन एंड पी वी यू टू सॉरी माई मिस्टेक पी वी यू वन दोनों वन वन है सब जगह पे वन वन ठीक है अल्फाबेट एम्पेसिलन ए है फर्स्ट लेटर तो एम्पेसिलिन फर्स्ट लेटर वाला है ठीक है तो यहाँ पे दोनों वन वन है वन वन सीक्वेंस वाले हैं वन वन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी वाले हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो आपको अगर यहाँ पे अगर आपने पी के जगह पे पी लिख दिया पी वी की जगह पे पी लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा बेटा ठीक है अब उसका रिलेशन कैसा है हम स्टार्ट कैसे करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से करेक्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से गोल घूमेंगे जैसे ही गोल घूमते हो तो पहले एस आती है पहला स्टॉप आता है ठीक है सो अल्फाबेटिकली अगर मैं जाऊँ तो गोल घूमते घूमते ए आएगा विच इज माई नंबर फर्स्ट लेटर ऑफ द एल्फाबेट देन यू हैव वन वन ठीक है उसके बाद जो रिलेशन आ रहा है वो एस टी और वी यू एस टी एल्फोबेटिकल ऑर्डर में एस टी पहले आता है वी यू बाद में आता है सो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑल्सो एस टी शुड पी एस टी वन शुड बी दी फर्स्ट एंजाइम एंड पी वी यू टू पी वी यू वन शुड बी दी सेकेंड एंजाइम योर समझे बेटा ठीक है तो ये हो गया मेरा काम विद रिस्पेक्ट टू एम्पसिलीन रेजिस्टेंस जीन ठीक है ना वापस आप गोल घूमो एम्पेड रेजिस्टेंस जीन के बाजू में देर आर थ्री रेस्ट्रिक्शन अगेन नाउ दीज रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर नॉट प्रेजेंट इन सर्टन स्पेसिफिक जीन ये तो ऐसे ही प्रेजेंट है ठीक है नो वॉट एवर रेस्ट्रिक्शन एनजाइम आई वॉन्ट टू यूज आई शुड बी आई शुड बी वेरी पर्टिक्यूलर इन विच एनजम शुड आई यूज वील टॉक अबाउट दैट इज वेल ओके तो जैसे ही आप एम्पेसिल रेजिस्टेंस जीन के बाद जाते हो तो वापस वहां पे एक जीन आता है वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है रेस्ट्रिक्शन साइट आता है दैट इज इको आर वन ईको आर वन फिर आता है क्ला वन फिर आता है हिंड थ्री ये तो नाम याद याद करना इजी है बेटा है ना इको आर वन क्ला वन और हिंड थ्री ठीक है तो घूम फिर कर आप इसको याद कैसे करोगे इसको याद करोगे हिंड थ्री ही यूज करेंगे बिकॉज हिंड टू का मेरे को कोई काम है नहीं है ना हिंड टू इज प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड तो हिंड टू इज़ नॉट रियली यूजफुल फॉर मी ओके और कहीं पे भी हिंड वन करके कोई एंजाइम है नहीं हमारे पास तो आपको ये याद रखना है यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड एज इको ठीक है सो इको आर वन क्ला वन एंड हिंड थ्री ठीक है। इको क्ला वन, and हिंड okay. उसके बाद हम घूमते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास Now, रेजिस्टेंस जीन जो है रेजिस्टेंस जीन जो है, यहां पे ऑल्सो देर इज टू रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पे मैंने तीन बना दिया है बेटा वो गलत हो गया है वन पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर दिस थिंग वॉज फॉर वन सेकेंड यहां पे दो ही रेस्ट्रिक्शन साइट है बेटा ओके okay. देखते हैं दो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन से है फर्स्ट साइट इज फॉर ऑफ द फर्स्ट साइट इज फॉर बैम एच वन फर्स्ट साइट इज फॉर बैम एच वन एंड द सेकेंड साइट इज फॉर सैल वन बैम एच वन एंड सैल वन ठीक है अब इसको आप याद कैसे करोगे बहुत ही सिंपल है है ना इसको आप टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन में आप याद करोगे बैम साला ठीक है ये याद ईजा ईजी है है ना तो हम किसी को भी ऐसे बोलने के टाइम पे बोलते हैं ना है ना तो बैम साला तो यू कैन रिमेम्बर दिस एज बैम साला हियर ओके नेक्स्ट कम्स आरोपी आरोपी के पास आरोपी है आरोपी कौन है मेरा इस केस का आरोपी कौन है आरोपी है पी वी यू टू बेटा देखो स्टार्ट अपने स्टार्ट कहाँ से किया था स्टार्ट किया था वन से एंड करते हैं टू से ओके बाद में ये सिर्फ इको की जगह पे आपको याद रखना है बाकी सब तो इजी है ठीक है बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ ये भी इजी याद है याद हो जाता है बैमशाला याद हो जाता बैम एच वन एंड सैल वन बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पे पी वी यू टू और पी वी यू वन ओके यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड अगर यहाँ पे आपने उल्ट उल्टा सीधा कर दिया तो यू माइट लूज योर मार्क्स एंड मोस्टली दिस सिंस दिस इज़ कंफ्यूजिंग दे माइट आस्क यू दिस पर्टिकुलर दे माइट आस्क यू मोस्ट ऑफ़ द टाइम दे माइट आस्क यू दिस ओनली ओके तो आपको याद रखना है यहाँ पे पी मैंने वही आपको बताया एम्पेसिल वन है वन वन दोनों एक साथ होंगे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस में वन वन होंगे समझे बेटा ओके okay. तो पीएसटी पहले आएगा पीवीयू बाद में आएगा पीएसटी पहले पीवीयू बाद में ओके बिकॉज अल्फाबेटिकली एसटी पहले अगर ओराई से देखते हो अल्फाबेटिकली एसटी पहले वीयू बाद में ठीक है घूम फिर के आते हो इको के पास इको आ, इको के पास आने के बाद आप आते हो टेट्रासाइक्लिन के पास टेट्रासाइक्लिन के पास रुक कर आप बोलते हो बैमसाला और टेट्रासाइक्लिन के आगे अब मुड़ते मुड़ते जाते हो तो यू गेट आर ओ पी, पी पे एक और साइट है दैट तो इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाजमेट कॉपी नंबर बेटा एक मिनट यहाँ पे ये लेबलिंग जो है ये जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पे दिस एरो जो अंदर जा रही है ये दिस इज दैट सीक्वेंस विच इज इंडिकेटिंग दिस इज इंडिकेटिंग पी वी यू टू और ये जो मैंने बाहर का एरो बनाया दैट इज फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर आरोपी स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मेड कॉपी नंबर restriction of plasmid copy number okay now comparing this as my standard vector okay comparing this as my standard vector i will write down i will write down few points which will make me uh, which will help me to identify or to to understand that uh, which vector should i choose करेक्ट सो इनिशियली चलो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लाज् और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर ठीक है सो क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर वेक्टर फॉर माई जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट और रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी ठीक है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज दाईसाइट ठीक है और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज आरओपी साइट अगर ओराइसाइट ही नहीं है एक वेक्टर में अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ही नहीं है तो हाउ केन आई इंश्योर कि मैं रेप्लीकेशन करवाते रहूँगा हाउ के आई इंश्योर कि एक सेल में बहुत सारा प्लाज्मिट बना सकता हूँ मैं करेक्ट सिमिलरली अगर एक सेल में आर ओ पी सीक्वेंस आर ओ पी सीक्वेंस को मैंने मोड़ दिया आर ओ पी सीक्वेंस को अगर रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाजमेट कॉपी नंबर को अगर मैंने इनएक्टिवेट कर दिया तो हियर आई कैन इंश्योर कि एक सेल में बहुत सारा कॉपीज मैं बना सकता हूँ so what are the criteria for choosing um, a particular vector the first criteria is the ori site ori site okay what is the ori site i told you it's a section of dna responsible so it is nothing but origin of replication origin of replication so it's a section of dna responsible for ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ठीक है मैं सेक्शन ऑफ डीएनए सब सब डीएनए ही है पे जितने भी हम पॉइंटर्स लिख रहे हैं सब डीएनए ठीक है सो इन अदर वर्ड्स ओरिजिन ऑफ डीएनए एन एरिजिन ऑफ एप्लीकेशन तो बिल्कुल जरूरी है इज दैट राइट अगर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जरूरी नहीं है आ, नहीं होगा सो आई विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्लोन्स मल्टीपल क्लोन्स

कंट्रोल्स दी प्लाजमेड कॉपी नंबर सो एक्टिवेटिंग दिस दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस माइट हेल्पअस टू मेक न मल्ट यू नो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉपीज अगर इसको इनएक्टिवेट कर दिया ये पूरे अखंड सीक्वेंस को मैंने बीच में तोड़ दिया तो ये जीन इनएक्टिवेट हो गया अगर जीन इनएक्टिवेट हो गया तो आई कैन इंश्योर की बहुत सारा कॉपीज मैं बना सकता हूँ ओके okay. So in other words it is based on this plasmid copy number it is based on the rop sequence i might have i might have i can develop based on the I rop sequence i can develop two type of um, you know plasmids okay i can develop two type of plasmid that is single copy number plasmid single copy number plasmid एंड मल्टीपल कॉपी नंबर प्लाज्मेड मल्टीपल कॉपी नंबर प्लाज्मेड तो सिंगल कॉपी नंबर प्लाज्मेड सेज वन वन प्लाज्मेड पर सेल वन प्लाज्मेड पर सेल ओके मल्टीपल कॉपी नंबर सेज मोर देन वन प्लाज्मेड More than one plasmid per cell, more than one plasmid per cell. Okay, so these were my two important features with respect to um, choosing a particular vector. Okay, the next criteria is that it should have. लो मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल साइज राइट द नेक्स्ट कैटेगरी क्राइटेरिया इज स्मॉल साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट लो मॉलिक्यूलर वेट अगर लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं रहा तो क्या हो जाएगा अगर इमेजिन कर लो कि ये मेरा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है ओके okay, और ये स्ट्रेच ऑफ डी में मैंने एक नया स्ट्रेच ऑफ डी एन कर दिया ठीक है बट अगर एक डी एन कर दिया है एंड इफ रिमेंस रिमेन्स सेम सो ये मेरी चांसेस नहीं है कि ये पूरा जो रिकॉम डी एन ए है टूट जाएगा करेक्ट बट वॉट विल हैपन इफ स्ट्रेच दॉट विल हैपन इमेजिन कर लो कि जो डीएनए का हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है है ना अगर मेरा रिकॉम्बिनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है इमेजिन कर लो ऐसा है ठीक है सो so, क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज हाईली अनस्टेबल है ना और अनस्टेबल अगर है तो दिस इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक इट इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक डाउन और ब्रेक करेक्ट सो दिस पर्टिक्यूलर अगर मेरा डी एन ए जो वैक्टर है इफ इट इज़ नॉट हैविंग स्मॉल साइज ठीक है और लो मॉलिक्युलर वेट इट इज सब्जेक्टेड टू बिकम अनस्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी माइट ब्रेक द एंटायर स्ट्रेच ऑफ डी एन ए और इट माइट ब्रेक द एंटायर रिकॉम्बिडेंट डी एन ए करेक्ट अगर ऐसा होता है बेटा तो मेरा पूरा का पूरा मेहनत जो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ दैट इज एब्सोल्यूटली गोइंग वेस्ट करेक्ट सो आई शुड मेक श्योर दैट दी वेक्टर विच आई एम चूजिंग दैट वेक्टर शुड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एंड स्मॉल साइज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी इनसाइड दी होस्ट सेल ऑल राइट गोइंग टू दी नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट क्राइटेरिया

Now, what is multiple cloning site indicating, or what is multiple cloning site uh, um, helpful for? अगर एक ही जैसे यहाँ पे हमने प्लाज्मेट देखा ये एक प्लाज्मेट में देर आर सेवरल यहाँ पे इतना ही एक छोटा सा सेक्शन है देखो आप भी मैं डायग्राम को थोड़ा सा खराब कर रहा हूँ ये छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे दे कैन बी रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इको आर वन दे कैन बी रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर क्ला वन दे कैन बी रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर हिंड थ्री राइट तो यहाँ पे एट बिकॉज इन दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ़ डी एन ए आई हैव मल्टीपल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड दैट मल्टीपल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस माइट हेल्प मी टू एड मल्टीपल जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक वेक्टर में मैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर मैं बहुत सारे दो तीन एक से ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकता हूँ और एक से ज़्यादा मैं प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर सकता हूँ Is that right? So that is an advantage for me. या फिर in other words दूसरा advantage ये है कि अगर एक restriction site बराबर से काम नहीं कर रहा है या फिर एक एक enzyme inactive जैसे हो रहा है या मेरे जो experiment में कर रहा हूँ it is not giving me ultimate result so I can I have the scope of using another restriction enzyme मेरा पूरा का पूरा experiment मेरे को ख़राब नहीं होगा is that right? So बिकॉज यहाँ पे बेटा इट इज अ वेरी डेलीकेट इट इज़ अ वेरी यू नो अ वेरी क्या बोलते उसको कंपेरेटिवली बहुत डेलीकेट प्रोसीजर है एंड यू के नॉट एक्सपेक्ट जैसे आपने प्रोसेस प्रोसीजर किया यू के नॉट एक्सपेक्ट द रिज़ल्ट वैसे ही आपको रिजल्ट आएगा ठीक है तो अगर एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरा काम नहीं कर रहा है तो मैं दूसरा कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ right so similarly so because of that i need to have multiple copy cloning sites or also called as multiple recognition site or multiple restriction sites okay multiple recognition site these recognition is for restriction enzyme endo endonucleases multiple recognition site is for uh, <coughs> फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिय ठीक है सो वॉट इज दिस अल्टीमेटली यह है क्या ओके वेन अ वेक्टर वेन अ वेक्टर अवेक्टर पोजेस अवेक्टर हैज मोर देन वन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस मोर देन वन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस okay so more than one palindromic sequences for different restriction enzymes for different restriction enzymes different restriction enzymes okay तो यहां पे एडवांटेज मैंने आपको भी बताया कि एडवांटेज क्या होगा कि आई हैव मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आई हैव मोर स्कोप ऑफ सिलेक्टिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओके दिस हेल्प्स मी देर इज मोर स्कोप ऑफ मोर स्कोप ऑफ सिलेक्टिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स

पॉलीलिंकर डीएनए क्यों बोलता है बिकॉज यहां पे बहुत सारे डीएनए बहुत सारे जीन इंटरेस्ट को लिंक किया जा सकता है एंड इट इज कॉल्ड एज पॉलीलिंकर डीएनए वेरी क्लियर ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फिफ्थ फीचर इज सिलेक्टेबल मार्कर ये एनसीआरटी में दिया हुआ है ओके okay, और एनसीआर में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन में दिया हुआ है बेटा तो अपन उसको पढ़ लेंगे अभी के अभी सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लाज्मेड और वेक्टर विच यू चूज इज सिलेक्टेबल मार्कर अब मार्कर एक टेक्निकल टर्म है सिलेक्टेबल ये भी एक टेक्निकल टर्म है ओके okay, घूम फिर है क्या बेटा ये अलेक्टेबल मार्कर इज अ स्ट्रेच ऑफ डी It is a stretch of DNA. Stretch of DNA responsible or helping. Stretch of DNA helping to select. Helping to select transformants and non transformants. Transformed organisms. Just combining it transformants. Transformants. एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंस नॉन ट्रांसफॉर्मेंस का मेरे को कोई यूज है नहीं मेरे को क्या चाहिए इन योर चैप्टर कॉल्ड एस किंगडम आपने शायद इसको किंगडम मोनरा में पढ़ा था है ना तो किंगडम मोनरा में है ना किंगडम मोनरा में आपने पढ़ा था कि अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मन ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ प्रोसेस वेर दी बैक्टीरिया एक्सेप्ट्स बैक्टीरिया एक्सेप्ट्स जीन और पीसेज ऑफ डीएनए फ्रॉम दी सराउंडिंग मीडियम और फ्रॉम दी डेड रिलेटिव्स ठीक है तो सराउंडिंग मीडियम में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है ठीक है और उसको अगर वो एक्सेप्ट करेगा और हमको रियल टाइम इफ़ यू आर एबल टू बिकॉज हमको क्या चाहिए सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंस चाहिए मेरे को नॉन ट्रांसफॉर्मेंस का कोई काम नहीं है सो so, अगर मेरे को रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंशिएशन हो गया कि वॉट वॉट आर ट्रांसफॉर्मेंस एंड वॉट आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंस दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर मी करेक्ट सो इन अदर वर्ड्स इट हेल्प्स अब करेंगे क्या देखते हैं अभी यहाँ पे इमेजिन कर लो बेटा कि ये अगर मैंने लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा मैंने यूज़ किया बैम एच वन यूज़ किया है ठीक है अगर मैंने बैम एच वन यूज़ कर दिया और बैम एच वन यूज़ करके ये सीक्वेंस पे कट डेवलप हो गया मैं डायग्राम को थोड़ा सा खराब कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे कट डेवलप हो गया है और यहाँ पर मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया चलो डाल देते हैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे कौन से साइड पे डाला मैंने बैम एच वन पे डाला है सो दिस ब्लैक कलर पीस ऑफ डी एन दी जीन ऑफ इंटरेस्ट विच आई हैव हैव आई एडेड ओके नाउ कैन आई से दिस दैट इस प्लाजेड में टेट्रासाइक्लिन का जीन इनएक्टिवेट हो गया कैसे इनएक्टिवेट हो गया इनएक्टिवेट हो गया क्यों इनो एक्टिवेट हो गया बेटा बिकॉज ये पूरा जो अखंड सीक्वेंस था जब सीक्वेंस यहां से लेकर यहां तक सीक्वेंस रीड होगा करेक्ट सीक्वेंस होगा तब जाकर मेरा टेट्रासाइक्लिन का जीन एक्टिव रहेगा मतलब इट विल बी अखंड जीन विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंटी टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन बट नाउ सिंस हैव इंट्रोड्यूस्ड माई जीन ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है पहले तो लिखते हैं ये जियो आई है सिंस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माय जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने सीक्वेंस की पूरी दिशा बदल दी सीक्वेंस की पूरी की पूरीवेशन बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट gene got inactivated, हेंस ये जो मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स हैं दे आर रेफर्ड टू ए सिलेक्टेबल मार्कर अब बेटा बात ये है कि अगर मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया तो क्या ये ऑर्गेनिज्म द होस्ट ऑर्गेनिज्म द होस्ट इकोलाय कंटेनिंग दी वेक्टर

राइट सो घूम फिर कर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन ग्रो ऑन दी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मेरे काम के नहीं है मतलब क्लियर क्लियर इंडिकेशन पता चल रहा है कि अगर टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो मेरे काम का नहीं है राइट right? अगर एम्पिसलिन कंटेनिंग मीडियम में है तो वो मेरे काम के हो सकते हैं बट उस पे सारे ऑर्गेनिजम्स मेरे काम पे है ये मैं बोल नहीं सकता Correct. so let's go ahead and see how do i select the organisms how do i select the organisms? Theke? how does this antibiotic resistance gene act as act as a selectable marker okay so um process okay the process is there is a um, selectable marker works on the principle of it works on the principle of जैसे मैंने आपको बताया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज नथिंग बट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ ड्यू टू इंसर्शन ऑफ जीनव इंटरेस्ट टबल मार्कर सिलेक्टिबल मार्कर सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिलेक्टेबल मार्कर विच इज नथिंग बट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज इनएक्टिवेटेड is inactivated so that process is called as insertional inactivation so according to that i might i might i might be able to use according to that i might be able to use a uh, different organism different type of organism or i might be able to use और ऑप्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स मेरे को क्या चाहिए मेरे को ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स चाहिए सो so अपन देखते हैं पहले आई एम गिविंग यू क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट ऑफ वॉट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आई माइट ऑप्टेन एंड देन वी विल सी हाउ डू वी ऑप्टेन इट ठीक है class, uh, uh, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है एन सी आर टी में दिया हुआ है लाइन्स कन्फ्यूजिंग है उसको थोड़ा सा हम अच्छे से याद कर लेते हैं ठीक है तो जो मेरे को होस्ट सेल मिलेगा जो होस्ट सेल के अंदर मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग वेक्टर डाला है तो आई कैन ऑप्टेन टू टाइप ऑफ होस्ट ठीक है टू टाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स सो पहला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ट्रांसफॉर्मेंस एंड द अदर इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेंस एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंस बात क्या है नॉन ट्रांसफॉर्मेंस का मतलब क्या है ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसने मेरा प्लाज्मिड एक्सेप्ट किया सो ट्रांसफॉर्मेंस आर दोज विच हैव अपन प्लाज्मिड अपटेकन प्लाज्मिड एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंस आर दोज च हैज नॉट अपटेकन प्लाज्मेड जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं अपने आपको ठीक है इट हैज नॉट अपटेकन प्लाज्मेड ओके नॉट अपटेकन प्लाज्मेड तो अगर मैंने प्लाज्मेड अपेक ही नहीं किया पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने कोई और ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया ठीक है? मैंने 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 कोई और और ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया ट्यूब के अंदर मैंने दोनों को लाइगेट कर कर दिया, by using certain enzymatic procedure. अब ये जो recombinant DNA मैं ये जो मैं नहीं कर सकता ना बेटा कि अगर वैसे ही है Correct? तो सोल्यूशन है कंटेनिंग प्लाज्मिट उसको मैंने एक बैक्टीरियल सस्पेंशन में डाल दिया ठीक है तो मैं ये भी इंश्योर नहीं कर सकता कि बैक्टीरियल सस्पेंशन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ने एक्सेप्ट कर लिया कौन से प्लाज्मिड को तो कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें ऐसे भी हो सकते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर सस्पेंशन ट्यूब में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है बेटा अब उस मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में टारगेट किसको करना है मेरे को ट्रांसफॉर्मेंस को टारगेट करना है तो नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्मेंस मेरे को चाहिए ही नहीं ठीक है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंस मेरे यूज के नहीं है मेरे को ट्रांसफॉर्मेंस चाहिए बट उसमें भी ट्रांसफॉर्मेंस में भी ठीक है सिर्फ प्लाज्मिड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो प्लाज्मिड जिसने लिया उसको मैं ट्रांसफॉर्मेंट बोलूंगा बिकॉज उसने मीडियम में से सराउंडिंग मीडियम में से जेनेटिक मटीरियल लिया दैट इज प्लाज्मिड को एक्सेप्ट किया हेंस इट इज कॉल्ड अस ट्रांसफॉर्मेंट बट दिस ट्रांसफॉर्मेंट ऑल्सो कैन बी ऑफ टू टाइप्स ओके Transformants also can be of two types, they can be recombinant transformants, they can be recombinant transformants, now this recombinant transformants and there can be non recombinant transformants. आर विच हैज एक्सेप्टेड ओके द होस्ट या होस्ट ऑर्गेनिज्म विच हैज एक्सेप्टेड ओके एक्सेप्टेड आर डी एन एक्सेप्टेड आर डी एन ए मतलब आर डी एन ए यहाँ पे क्या है प्लाज्मेड कंटेनिंग प्लाज्मेड विद जी आई ओके और दूसरा वो है जिसने जिस विच इज़ एक्सेप्टेड ओनली प्लाज्मिड ओके इट एज नॉट एक्सेप्टेड जी एन आर डी एन ए बट इट एज एक्सेप्टेड प्लाज्मिड सो इट हेज एक्सेप्टेड प्लाज्मिड विदाउट जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड विदाउट जीन ऑफ इंटरेस्ट सो क्या मेरे को ये काम का है नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई काम का है बिल्कुल नहीं ठीक है तो मेरा काम का कौन है अल्टीमेटली मेरा जो यूजफुल है मेरे लिए जो काम में आने वाला है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एन ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज ट्रांसफॉर्मेंस ठीक है एंड आउट ऑफ दी एंटायर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम आई हैव टू एक्सेप्ट और आई हैव टू ओनली गेट रिकॉम्बिनेट ट्रांसफॉर्मेंस क्योंकि ये अगर मेरे को मिल गए तो इनको मैं एक सेपरेट मीडियम में ग्रो करके इनकी ढेरों ढेरों कॉलोनी बना सकता हूँ ठीक है तो चलो हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं फटाफट अब इमेजिन कर लो कि आपके पास आपके पास आपने कुछ सेल सस्पेंशन ये बैक्टीरियल सस्पेंशन है आपके पास इमेजिन कर लो ठीक है ये बैक्टीरियल सस्पेंशन है ओके बैक्टीरियल सस्पेंशन है और आपके पास एक और सस्पेंशन है दूसरे कलर में ले लेते हैं एक और सस्पेंशन है जिसको मैं बोलूंगा प्लाज्मेट सस्पेंशन अब इसमें प्लाज्मेट सस्पेंशन में कुछ रिकॉम्बिनेंट प्लाजमेट होंगे कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे अब इसमें से आपने क्या क्या किया एक ड्रॉप आपने डाल दिया इधर करेक्ट अब इस ये प्लाज्मेड में से कुछ प्लाज्मेट इस सेल के अंदर चले गए कुछ प्लाज्मेड मतलब ये प्लाज्मेट में दो टाइप के प्लाज्मेट हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट हो सकता है या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट हो सकता है ठीक है तो एक ही ड्रॉप डाला ना इतने पूरे सस्पेंशन में से एक ही ड्रॉप डाला तो वो एक ड्रॉप में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट ही गए या जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन रिकॉम्बिनेंट ही गए ठीक है सो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पे जाना है मेरे को सो नाउ वट आई डू इज आई हैव दिस ईकोलाय बैक्टीरियल सैंपल अब ये ईकोलाय बैक्टीरियल सैंपल को मैं क्या करूँगा ये ईकोलाय e. से मैं ट्रांसफर करूँगा एक ड्रॉप लूंगा और आई विल पुट इट इन अ मीडियम न्यूट्रिएंट अगार प्लेट ओके सो आई विल पुट इट इन दी न्यूट्रिएंट अगार प्लेट एंड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स व्हाट आई डेवलप इज सर्टेन कॉलोनीज सिंपल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट है ये। तो ट्वेंटी फोर आवर्स में मेरे को ऐसे उसके अंदर कॉलोनीज मिलेंगे ओके बेटा अब दिस न्यूट्रिएंट अगार प्लेट इस कॉल्ड एज माय मास्टर प्लेट बिकॉज इस न्यूट्रिएंट अगार में सारे ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स है रिकॉम्बिनेंट भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है सब कुछ है ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब मैंने तीन सेट ऑफ प्लेट बनाए हैं अलग ठीक है अब ये न्यूट्रिएंट अगार प्लेट है दूसरा जो प्लेट है दैट प्लेट कंटेन्स इट हैज ठीक है तीन प्लेट प्लेट में कंसिडर कर रहा हूं मास्टर प्लेट में मेरे को बहुत सारे ढेर सारे कॉलनी मिले बट मेरे को आई डोंट नो विच विच कॉलोनी इज रिकॉमेंडेंट एंड विच कॉलोनी इज नॉन रिकॉमंडेंट ठीक है अब मैं दूसरा एक और प्लेट लूंगा दैट इज कंटेनिंग न्यूट्रिएंट अगार इट कंटेनज न्यूट्रियट अगार प्लस न्यूट्रिएंट टगार प्लस कंटेनिंग एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन ठीक है और दूसरा मैं प्लेट लूंगा विच न्यूट्रिएंट टगार प्लस टेट्रासाइक्लिन टगार प्लस टेट्रासाइक्लिन ठीक है Now what I use, the technique which I' am using here is the replica plate method. It is the replica plate method given by Joshua Lederberg. So it is Joshua replica plate method, also called as Joshua Lederberg's experiment. Joshua Lederberg's experiment. क्या करता हूँ मैं कि मास्टर प्लेट से मैं स्टैम्प मारता हूँ न्यूट्रिएंट टू प्लेट कंटेनिंग एम्पिसलिन ओके अब यहाँ पे मैं यूज़ करूंगा एक रेप्लिकेटर ब्लॉक ऐसे एक वुडन ब्लॉक होती है बेटा ठीक है ये वुडन ब्लॉक ऐसे कुछ भी बहुत ऐसे बहुत सोफेस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है ऐसी एक वुडन ब्लॉक होती है ये वुडन ब्लॉक के ऊपर एक वेलवेट का कपड़ा बंधा बांधा होता है ठीक है ये ऐसे वेलवेट का कपड़ा बांधा हुआ होता है सो so, दस ऐसे लकड़े के ये इसको दे विल कॉल इट एज रेप्लीकेटर ओके अब मैं क्या करूँगा ये रेप्लीकेटर को इस न्यूट्रिएंट अगर प्लेट पे स्टैंप करूंगा एंड वेरी केयरफुली असेप्टिकली आई विल प्लेस दिस स्टैम्प अब ये जैसे मैंने इस पर स्टैम्प किया तो इसपे इसके सारे सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लग जाते हैं थोड़े थोड़े है ना एंड एट सेम पोजिशन लगते हैं ओके दिस कॉलोनीज़ आर फ्रॉम दी न्यूट्रंटार प्लेट मास्टर प्लेट अब वही इसको मैंने यहाँ पे स्टैम्प कर दिया ठीक है और आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स मैंने स्टैम्प कर दिया है यहाँ पे एंड आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स वॉट वॉट डू आई गेट एग्जैक्टली सेम पोजिशन पर मेरे को कॉलोनी मिलनी चाहिए करेक्ट बट अभी यहाँ पर मेरे को कॉलोनी सारे नहीं मिलते बेटा ठीक है मेरे को यहाँ पे कॉलोनी मिलती है यहाँ पे आई गेट इतने जितने कॉलोनी आपको दिख रहे हैं ना ये मेरे को बहुत कम मिलते हैं एग्जैक्ट पोजीशन पे ओके okay, अगर मेरे को यहां पे कॉलोनी मिल गई इसका मतलब क्या है बेटा कि कॉलोनीज मिल गई है दैट मींस दीज ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन दी एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट या एम्पेसिल कंटेनिंग जीन आर रेजिस्टेंट टू एम्पेसिल करेक्ट और एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस किसके वजह से आ रहा है प्लाज्मिड के वजह से आ रहा है इसका मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं ऑल आर ट्रांसफॉर्मेंस ऑल आर ट्रांसफॉर्मेंस बिकॉज ये सारे ऑर्गेनिजम्स सब सब ऑर्गेनिजम्स आए नहीं ठीक है जो भी ऑर्गेनिज्म एम्पेसिल के प्लेट में आए ऑल आर ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड दी प्लाज्मिड इसीलिए तो वो प्लाज्मिड के वजह से वो प्लाज्मिड में एम्पिसलिन का जीन है और मैंने अभी तक एम्पेसिल जीन को छेड़ा नहीं है करेक्ट तो एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम में अगर वे ग्रो हो रहे हैं ऑल ऑफ देम आर ट्रांसफॉर्म मतलब ऑल ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड दी द्लाज्मिड ठीक है बट मेरे, मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म से खुश हूँ क्या मेरे को नॉन ट्रांसफॉर्म निकाल देने हैं वो निकल गए ठीक है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट निकल गए पहले इसमें से पर ट्रांसफॉर्मेंट्स में आई रिक्वायर रिकॉम्बिनेंट डी एन ए या फिर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस सो अब मैं क्या करूंगा सेम रेप्लिका प्लेट मेथड यूज करूंगा आर पी एम यूज करूंगा ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग जीन मीडियम सो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में मेरे को और कम ऑर्गेनिजम्स मिले मतलब यहां पे सेम दो पोजिशन पे एक ऑर्गेनिज्म मिला ठीक है यहां पे एक ऑर्गेनिज्म मिला यहां पे एक ऑर्गेनिज्म मिला और यहां पे मिला ठीक है नाउ कैन आई से दिस दैट अब अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कंटेनिंग जीन में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो पा रहे हैं, ओके okay? सेम यहां से ऑर्गेनिज्म यहां पे गए ठीक है अगर वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो हो पा रहे हैं, दैट मीन्स उनका टेट्रासाइक्लिन जीन भी एक्टिव है करेक्ट अगर टेट्रासाइक्लिन जीन भी एक्टिव है इसका मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं टेट्रासाइक्लिन का जीन टूटा ही नहीं करेक्ट सो इन अदर वर्ड्स टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट में मेरे को क्या मिलेंगे अगेन आई विल गेट ऑल ट्रांसफॉर्मेंस ओनली बट कौन से ट्रांसफॉर्मेंस आई विल गेट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंस बेटा बिकॉज इसमें मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है उनका पूरा का पूरा टेट्रासाइक्लिन का जीन अखंड है सो so घूम फिर कर बात यह है द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट विल मेक श्योर दैट आई गेट नॉन रिकॉमिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस ठीक है बट मेरे को रिकॉमिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस चाहिए सो so मैं रिकॉमिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस क्या करूंगा ये प्लेट और ये प्लेट को कंपेयर करूंगा ठीक है तो घूम फिर कर लेट्स गो हैड एंड सर्कल दैम अब यहाँ पे कंपेयर करो यहाँ पे एक प्लाज्मेड है सेम यहाँ पे कंपेयर करो तो यहाँ पे एक प्लाज्मेड आपको मिला सेम ठीक है यहाँ पे दो प्लाज्मेड है एक ये और एक आपको यहाँ पे मिल रहा है ये वाला सो तो ये जो जितने भी रेड कलर के प्लाज्ड है ये और ये वाला और ये वाला सेम है ठीक है सो ट आर दीज दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस सो ट्रांसफॉर्मेंस कौन से होंगे ट्रांसफॉर्मेंस मेरे ये जो बचे हैं एम्पिसलिन के प्लेट में ये वाला जो है शिट oh, बेटा एक मिनट <laughs> यहाँ पे एक कॉलोनी थी ठीक है लेट्स गो हेड एंड मार्क देम सो ये जो बचा ये वाला जो बचा ये वाला जो बचा मतलब ये वो कॉलोनीज है जो एम्पेसिल के प्लेट में तो आ गए बिकॉज इनका एम्पेसिल का दोनों का जीन सेम था पर टेट्रासाइक्लिन में बेचारे ग्रो नहीं हो पाए क्यों नहीं ग्रो हो पाए बिकॉज इनका टेट्रासाइक्लिन का जीन हमने बर्बाद कर दिया बाई एडिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट सो घूम फिर कर दीज कॉलोनीज These colonies are my recombinant. These colonies are my recombinant transformants. समझे सो घूम फिर कर अगर मैंने घूम फिर कर क्वेश्चन आपका ऐसा है बेटा अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन के जीन को इंसर्शनल इन कर दिया तो मेरे को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस कहाँ पे मिलेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग प्लेट में अगर मैंने एम्पिसिलिन के जीन को बर्बाद कर दिया बाई इंसर्शनली इन एक्टिवेटिंग तो मेरे को किधर मिलेंगे टेट्रासाइक्लिन सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा एक्सपेरिमेंट रफ वर्क में बनाकर देखो बट बात यह है बेटा कि जो जीन आपने इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दिया उस प्लेट पे उस प्लेट पे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे जो so, उसका सब्सिक्वेंटली दूसरे एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट में वो ग्रो हो पाएंगे सो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया यहाँ पे कौन सा जीन डिस्ट्रॉय किया था हमने इनएक्टिवेट किया था टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन सो अगर टेट्रासाइक्लिन जीन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया है सो क्वेश्चन सेफ यू आर यूजिंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस कैन बी सीन इन दी एम्पिलिन कंटेनिंग प्लेट वेरी क्लियरली अंडरस्टेंड बेटर सो दिस एक्सपेरिमेंट इज रेफरबर्ग एक्सपेरमेंट सिमिलरलीफ यू यूज एम्पिसिन मार्कर तो डेफिनेटली वो एम्पेलिन कंटेनिंग प्लेट में वो नहीं ग्रो हो पाएंगे वो ग्रो हो पाएंगे इन दी टेट्रा साइक्लिन कंटेनिंग जीन टेट्रा साइक्लिन कंटेनिंग मीडियम ठीक है सो आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो प्लीज ओपन योर टेक्सट बुक और प्लाजमेड का जहाँ पे फोटो दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है एन सी आर टी में उसके बाजू का पैराग्राफ एक बार ध्यान से पढ़ना चार पाँच बार पढ़ना एंड ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देयर एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड वॉट दैट लाइन से इज ठीक है क्योंकि उनकी लाइन थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है इज दट वेरी क्लियर बेटा ठीक है सो दैट वॉज माई मेजर क्राइटीरिया फॉर चूजिंग दी प्लाज्मेड और चूजिंग माई वेक्टर ठीक है सो द नेक्स्ट क्लास विल डू टाइप्स ऑफ वैक्टर्स फॉर